न केवल धार्मिक यात्रा है बल्कि आस्था और विश्वास की यात्रा है। बड़े आस्था से लोग आदाब नमस्कार। जनपद बिजनौर में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि आगामी श्रावण कांवड़ यात्रा को परंपरागत रूप से सुरक्षात्मक सुविधाजनक एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने सड़क से संबंधित सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि श्रावण कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले कांवड़ जातियों के गुजरने वाली सड़कों पर गड्ढा नहीं मिलना चाहिए और न ही सड़क पर पानी एवं गंदगी पाई जानी चाहिए। उन्होंने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा गुजरने वाले किसी भी स्थान पर भी बिजली के तार ना तो लटके हुए पाए जाएं और ना ही कोई खंभा झुकी हुई अवस्था में ना पाया जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान मोटा महादेव एवं भागूवाला चेक पोस्ट पर अलग अलग एम्बुलेंस की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें तथा मुख्य स्थानों पर चिकित्सकों की टीमें भी उपलब्ध रहें। जिलाधिकारी श्री मिश्रा शुक्रवार को मोटा महादेव मंदिर के प्रांगण में श्रावण कांवड़ यात्रा को पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक एवं सुरक्षात्मक रूप से संपन्न कराने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कांवड़ जातियों के आवागमन के रास्ते में पड़ने वाले पड़ावों की जानकारी, कांवड़ यात्रा में लगने वाले पुलिस बल, रूट डायवर्जन की तैयारियों की समीक्षा यात्रा प्रारंभ होने के पूर्व ही सुनिश्चित कर लें, जिससे यात्रा के समय कोई दिक्कत आने की संभावनाएं न रहने पाए। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों को सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली अफवाहें रोकने के लिए व्हाट्सएप रूपी वे सोशल मीडिया पर पैनी नज़र रखी जाएगी। यात्रा की आवाजाही पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से नज़र रखी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान 12 फीट से ज़्यादा ऊंचाई वाले कांवड़, भाला, त्रिशूल और ऐसे किसी भी तरह का सामान रखने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही डीजे पर अश्लील गाने बजाने की भी अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त रखा जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ साथ थर्माकोल के उपयोग पर भी प्रतिबंध है। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण रंजन, एएसपी ग्रामीण राम अर्ज, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार गोयल, समस्त उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी, पुलिस सहित समस्त संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ विकास आर्य, नजीबाबाद। लोगों ने कुछ अल्टरनेट रूट्स बनाए थे, क्योंकि पिछली बार में ये यहाँ एक जो कुलिया है वहाँ बहुत ज़्यादा जाम लग गया था, गाड़ियाँ भी आ गई थी, बहुत ओवर क्राउडेड हो गया था। तो पिछली बार एस डी एम साहब और सी ओ साहब ने तय किया था, सी ओ साहब नहीं क्या? अच्छा, तो दो तीन रास्ते आपने बनाए थे, उन रास्तों को ठीक करा दीजिए, क्योंकि पानी बरसा होगा, रास्ता खराब हो गया होगा और लोगों के लिए सुविधाजनक भी हो, क्योंकि ये कांवड़ बरसात का समय होता है, सब बहुत सारे जानवर ऐसे भी होते हैं, सांप जैसे एक प्रकार के, जिनसे रास्ता साफ रहे, कोई इस प्रकार की दुर्घटना न होने पाए। एनएचआई से कोई है भाई? ये आप दोनों लोगों से अनुरोध है कि सब ज्यादा रोड सात लोगों खराब है, आप उसको ठीक करा दीजिए। जहां जहां कांवड़ यात्री जा रहे हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर कहीं जनपद से गुजरने वाले सभी कांवड़ियों के लिए अच्छी रोड की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, सफाई व्यवस्था हो और उनके शौचालय आदि की समुचित व्यवस्था हो तथा सुरक्षा से संबंधित जितने भी मामले हैं उनकी समीक्षा की गई है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कांवड़ियों को सकुशल और सुरक्षित ढंग से उनको यात्रा करने का अवसर मिले और कोई भी अप्रिय स्थिति न हो। सर, लाइट का सिस्टम, आपने लाइट का मामला आया भागू वाले की, वहाँ से लाइट रहेगी? स्ट्रीट लाइट नहीं, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि पूरे जनपद में जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ जहाँ कांवड़ मार्ग हैं वहाँ प्रयास किया जाए कि हर जगह उसको हम लाइट लगा सकें, आवश्यकता अनुसार कैमरे लगवाए। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।